अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ नजीबुल से। एक स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोग अगर एफएम व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो आप लोग जानते हो कि एफएम व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट लिस्ट एंड ग्रुप लिस्ट अलग अलग से आता है। मतलब दोस्तों, इसका कॉन्टैक्ट, ग्रुप, स्टेटस सभी एकदम अलग अलग रो करके आता है, अलग अलग लाइन में आता है। तो इन सभी को आप कैसे एक साथ कर सकते हो, मतलब कॉन्टैक्ट लाइन को एंड स्टेटस लाइन को आप कैसे एक ही लाइन में ले आ सकते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। और दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि जब मैं पूरा सेटिंग, मतलब मान लीजिए मैं एफएम व्हाट्सएप की पूरा सेटिंग के बारे में वीडियो बना दिया, तो वो 8-10 मिनट का हो गया। तो बहुत लोग क्या कर रहा है कि 2 मिनट तक देख के छोड़ दे रहा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे 2 मिनट करके छोटा छोटा सेटिंग में अपलोड करूँगा एफएम व्हाट्सएप, जीबी व्हाट्सएप एंड ई व्हाट्सएप का। तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ कॉमेंट करके बताना कि क्या ये करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए, आज का वीडियो हम देखते हैं। आपने अगर अभी तक मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हो तो अभी जाकर फॉलो कर दीजिए। तो चलिए, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको एफएम व्हाट्सएप को ओपन करना है। देन ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो पहले आप देख लीजिए कि मेरा ये ग्रुप्स एंड चैट्स अलग है। तो सबसे पहले आप 3 डॉट पे क्लिक कर दीजिए। देन करने के बाद भाउड मोड्स पे जाइए। देन इधर दोस्तों देखिए होम स्क्रीन, तो होम स्क्रीन पे आपको जाना है। देन ये देखिए, इधर आपको बहुत कोई ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको सबसे पहले ऊपर में देखिए हेडर है, तो हेडर पे क्लिक करना है। देन देखिए ये आ गया। तो इधर आपको क्या करना है, सेपरेट चैट एंड ग्रुप्स, तो ये जो है ना, इसको आपको डिसेबल कर देना है। तो देखिए ये सभी ग्रुप्स एंड चैट्स एक साथ आ जाएगा। तो चलिए मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ। तो इधर से देखिए दोस्तों, ये मेरा जो देखिए ग्रुप्स एंड चैट्स सब एक साथ आ गया। दोस्तों ये एफएम व्हाट्सएप एंड ई व्हाट्सएप के सेटिंग्स एक ही है, तो आप लोग दोनों व्हाट्सएप में ही ये सेटिंग आपको काम में आ जाएगा। तो प्लीज़ जो आपके जिस फ्रेंड के पास ई व्हाट्सएप है तो उसको आप शेयर कर दीजिए। तो चलिए, वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ शेयर कर दीजिए। इतना ही आपको बताना था। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए, अगले वीडियो पे फिर से मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।